आपको पता है जब मैं इटली में पढ़ाई कर रही थी तो मेरे हॉस्टल के बगल में एक छोटा सा त्रतोरिया था, यू नो इनफॉर्मल थावा स्टाइल रेस्टोरेंट इन इटली आर कॉल्ड त्रतोरिया। उस त्रतोरिया में एक सुपर कूल ग्रैंड मॉम थी जो वो त्रतोरिया चलाया भी करती थी। अब इटली में तो ग्रैंड मॉम्स आर लाइक वर्ल्ड फेमस फॉर देयर हाथ का जादू, एंड लेट मी टेल यू इट्स एक्चुअली टोटली अनमैचेबल। वो जो भी बनाती थी वो एक से दो घंटे में सब खत्म हो जाता था। शी वॉज सच अ स्वीट पर्सन, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज की रेसिपी उन्हीं की रेसिपीज में से इंस्पायर्ड है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग लिंगुइनी दी नोन्ना कॉन गम्बरेत्ती। अब इटालियन डिश बना रहे हैं तो इतनी इटालियन बोलनी तो बनती है, तभी तो टेस्ट आएगा। लिंगुइनी दी नोन्ना कॉन गम्बरेत्ती, इसका मतलब इंग्लिश में तो आपको बताया ही नहीं। इट्स कॉल्ड श्रिम्प लिंगुइनी एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। फॉर दैट फर्स्ट आई नीड टू हीट सम ऑयल इन माय वोक। नाउ विल ऐड सम गार्लिक, सम रेड चिली फ्लेक्स एंड सम अनियन। नाउ विल सौते द अनियन ओनली टिल इट गेट्स अ नाइस पिंक कलर। आई एम गोइंग टू सीजन माय अनियन अ लिटिल बिट because what salt does is it brings out the moisture in the onion and which helps onion to get saute nicely without getting burned. So onions are looking super cool. Thodi parsley main abhi dal rahi hu aur thodi parsley baad mein dalungi. Mix kar dete hain. Ab time for star ingredient shrimp. Just mix it or rather toss it because that's easier. So now my prawns are cooked and I'm going to add some pasta water. जिस पानी में मैंने पास्ता बॉयल किया था उसको पूरा ड्रेन करने से पहले ये एक कप पानी मैंने बचा के रख लिया था बिकॉज दिस स्टार्ची वाटर गिव्स अ वेरी नाइस बॉडी टू आर सॉस। जस्ट हाफ अ कप ऐड करेंगे और अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा पार्मेजान चीज़। Just mix it. Now, as you can see that we have got a beautiful sauce, we're just going to add our pasta. अगर आप चाहें तो मेरी तरह हमेशा अपने फ्रिज में पास्ता बॉईल करके रख सकते हैं। It makes life lot easier. Just mix it. थोड़ा सा और parsley और salt. Just toss it. And our shrimp linguine is ready. Let's plate it up. Make a nice, good mountain of this soupy pasta. To make it look more pretty, we are going to add a sprig of parsley. अब आप समझे मेरे फ्रिज में हमेशा पास्ता क्यों रहता है? ताकि मैं ऐसी सुपर कूल डिशेस कभी भी बना सकूं. Mamma mia! If you like these recipes, hit the like button and subscribe to our channel.